तो जैसे हम बात करते हैं भाई, ठीक है, वेरिएबल की ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की जगह रिप्लेस कर दें, और रिप्लेस करते ही, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल था उसको अगर न्यूमेरिकल से भी रिप्लेस करोगे तो रिजल्ट और न्यूमेरिकल ही आएगा। अब अगर न्यूमेरिकल रिजल्ट आ गया और सोल्यूशन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है? फोर इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। ये स्टेटमेंट बन गई कि जीरो होती क्या है, कि वेरिएबल की कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको एक्सप्रेशन में अगर हम रिप्लेस कर दें और कंप्लीट सॉल्यूशन कितना हो जाए, जीरो, तो उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। इसमें एक चीज और आती है कि भाई जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी जीरोज होंगी कितनी, उसकी जीरोज होंगी कितनी। जैसे हम बात करते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। यहां डिग्री कितनी है? वन। डिग्री अगर वन है तो नंबर ऑफ जीरोज भी वन होगी। फिर बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर है टू, तो डिग्री भी कितनी होगी? टू। तो नंबर ऑफ जीरोज भी टू होंगी। इसी तरह जो आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। हाईएस्ट पावर कितनी होगी वेरिएबल की? थ्री। तो डिग्री भी कितनी होगी? थ्री। और नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू थ्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो भी डिग्री है पॉलीनोमियल की उतनी ही उसकी जीरोज होंगे। इसका मतलब क्या है? अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसके अंदर हमें एक्स की ऐसी दो वैल्यूज मिलेंगी जहां पे ये कंप्लीट सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। क्यूबिक पॉलीनोमियल है वहां पे हमें उस वेरिएबल की तीन वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जिनको हम अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलीनोमियल में वेरिएबल के रिप्लेस कर देंगे तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा? जीरो। इसी के अकॉर्डिंग अगर लीनियर पॉलीनोमियल है तो एक सिंगल जीरो होगी, बाइनोमियल बोल देते हैं, या आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में क्या आएगा? टू जीरोज होंगी, और क्यूबिक पॉलीनोमियल में थ्री जीरोज होंगी। थैंक यू।